खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। इसे लेकर पुख्ता तैयारी की गई है। गिरिडीह के झंडा मैदान में मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। इस दौरान गिरिडीह को कई सौगात मिलेंगी। कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है और वहीं लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी यहां पर किया जाएगा। तो खतियानी जोहार यात्रा इस वक्त गिरिडीह में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम गिरिडीह में ही किया था। वो परिसदन पहुंच चुके थे कल देर रात को। कल कोडरमा में खतियानी जोहार यात्रा थी और आज कोडरमा से ये यात्रा गिरिडीह पहुंची है। यहाँ भी खतियानी जोहार यात्रा के तहत लोगों का आभार मुख्यमंत्री जताएंगे। खतियानी जोहार यात्रा के तहत आज गिरिडीह को मुख्यमंत्री खतियानी जोहार कहेंगे। हमारे साथ गिरिडीह विधायक सुदीप सोनू हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, आज का दिन गिरिडीह के लिए कितना खास? निश्चित रूप से गिरिडीह के लिए खास है। हम लोग यह मानते हैं कि सरकार आपके द्वार के चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं। बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने। दूसरे चरण का शुभारंभ भी माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह से किया। माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह को बहुत सारी सौगातें दी हैं और खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण का भी शुभारंभ गिरिडीह से होने जा रहा है और गिरिडीह के लोग इस बात के लिए कार्यकर्ता से लेकर जनता बड़े उत्साहित हैं और ये उत्साह आपको झंडा मैदान में दिखेगा। सर, कल जिस तरह से मुख्यमंत्री कोडरमा से लेकर गिरिडीह पहुँच रहे थे, उस दौरान जन सैलाब उमड़ा था मुख्यमंत्री को देखने के लिए। मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे थे, मुख्यमंत्री उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे थे, ये किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से झारखंड के ग्रामीण अंचलों में लोगों के मन में यह भावना पुष्ट हुई है कि रांची में बैठी हुई सरकार उनके बारे में सोचती है। हाथी उड़ाने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी वृद्ध महिला को हम लोग पेंशन से आच्छादित कर पाएँ। और इसी मूल उद्देश्य के साथ जब हेमंत बाबू ने इस सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाया है तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। उनको ये लगता है कि सरकार उनके बारे में सोचेगी और सरकार उनके लिए करेगी, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग ठंड में रात में मुख्यमंत्री के इंतजार में रहे और हर जगह उनका बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। सर, आज क्या कुछ कार्यक्रम होने? आज गिरिडीह कोडरमा दोनों ही जिलों का रिव्यू होना है। सरकार की जो योजनाएँ लागू हुई हैं वो धरातल पर कितनी कारगर हैं, इसका रिव्यू होगा। आज चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण पहुंच चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री रिव्यू करेंगे दोनों जिलों का। इसके बाद फिर झंडा मैदान में 1 बजे से जनसभा का कार्यक्रम। धन्यवाद सुदीप कुमार सोनू, इन्होंने बताया किस तरीके से खतियानी जोहार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री गिरिडीह में मौजूद हैं और आज समीक्षा बैठक भी की जाएगी। उसके बाद खतियानी जोहार यात्रा को मुख्यमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। चूना लगाने वाली कंपनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, IPO निवेश में एक्सपर्ट बने।